साबरमती आदर्श विद्यालय विद्यालय से योगेश बिस्सा आज आपके सामने रिपोर्टेड स्पीच प्रकरण लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज अपने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा हम जो भी कोई बयान कहता है उसको हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो भी व्यक्ति ने कहा वो सीधे जो कहना वो क्या कहलाता है आपके डायरेक्ट स्पीच में। और दूसरा होता है आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि उसकी बात को वापस अपने शब्दों में कहना वो क्या कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अपने यहाँ पर जो वाक्य दे रखे हैं उनका अध्ययन करेंगे और इसका क्या परिवर्तन होता है वो देखेंगे, तो अपने को क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच जो प्रकरण है वो समझ में आएगा। सर्वप्रथम है यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, ही सेड आई वांट टू स्टडी, उसने मुझसे कहा मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त अपने क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वांट टू स्टडी, उसने कहा कि वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, दूसरा वाक्य ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क, मतलब यहाँ पर स्त्री है उसने कहा आई एम डूइंग माई वर्क, यानी मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो उसको अपने इनडायरेक्ट में बदलते वक्त क्या करेंगे, ही सेड यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा को देख लगा के सी वाज, यहाँ पर जो टेंस है वो परिवर्तन हो गया, आई का एम का क्या हो गया वाज डूइंग हर वर्क, वो अपना कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो भाग में, पहला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है रिपोर्टिंग वर्क, और जो दूसरा पोर्शन है वो क्या कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच को अपने को देखना है। पहला है मोहन सेज विल प्ले, मोहन सेज आई विल प्ले, मैं खेल रहा हूँ। तो द टीचर सेड यू कैन गो, तो यहाँ पर ये क्या रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टिंग स्पीच। फिर ही सेड गॉड इज ग्रेट, उसने मुझसे कहा भगवान क्या है महान है। तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त अपने क्या है निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं, एक तो है प्रोनाउंस में बदलना, दूसरा है वर्ब में बदलना, तीसरा आपके टेंस बदलना, और उसके बाद है ये यहाँ पर जो कनेक्टिव लगाते हैं इफ दैट, वो अपने आगे के जब फिल्मांकन करेंगे या वीडियो बनाएंगे तब अपने उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।